यहाँ पे घर बना है ना, यहाँ दिल्ली में तो यही रहते हैं। नरेंद्र जी, असली हिंदी तो यही है, और यहाँ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ऐसी हिंदी बोलते हैं। जी हाँ, गाजियाबाद का ही हूँ। और ये जो तू तपाड़ करते हैं ना, वो लोग थोड़ा अनपढ़ होते हैं, वही तू तू बोलते हैं, तो वो दिल्ली की लैंग्वेज नहीं होती है, असली हिंदी यही होती है। नरेंद्र जी समझ गए, लोग बदतमीजों की तरह बात करते हैं ना, तो उसको दिल्ली की लैंग्वेज बोलते हैं, बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते जी। किसी को तू बोलते हैं, तुम बोलते हैं, तो वो मॉडल नहीं हो जाते। और असली हिंदी हम बोलते हैं, और दिल्ली और यूपी कुछ नहीं होता, सभी हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी को बिगाड़ देते हैं, हरियाणा वाली लैंग्वेज लगा देते हैं, तो वो दिल्ली की भाषा नहीं होती, असली हिंदी यही होती है। हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, यही हिंदी बोलते हैं, तो वो यूपी के नहीं हैं, तरीका यही है हिंदी बोलने का। दिल्ली में कहाँ बनाया घर, रोहिणी के पास है हमारा घर है, हमारे हस्बैंड यही रोहिणी कोर्ट में एडवोकेट हैं, और मैं भी एडवोकेट हूँ, रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ जी, अभी लीव पे हूँ, मेरा बेटा पेपर दे रहा है, तो नहीं जाती हूँ अभी, जब स्कूल जाता है तो कोर्ट जाती हूँ मैं, स्कूल टाइम में कम टाइम देती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। रोहिणी कोर्ट में 1116 चैम्बर नंबर है हमारा, और शिवा मार्केट में हमारा ऑफिस है। मैडम जी अभी 1 बज गए हैं, सोने की तैयारी करो। हाँ जी हाँ, डॉक्टर साहब करते हैं, नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए जग रहे थे। मेरा एक मुकदमा है रोहिणी कोर्ट में। हाँ जी, को कौन आप बात कर लीजिएगा, हमारा नंबर ले लीजिएगा हस्बैंड जी का, लाइव पे कोर्ट की बात नहीं करते, स्ट्राइक आ जाता है चैनल पे हमारे 12 नंबर में। ओके, हम बात करा देंगे, अभी हमारे हस्बैंड आएंगे तो हम बात करवा देंगे, इस लाइव पे बात नहीं करेंगे, उनके आपको दे देंगे नंबर, बात कर लीजिएगा आप। रे बारी, हाँ ये गंदा आदमी आ गया। आज नहीं, जय बही, आप टेंशन मत लो भाई, आज नहीं जय भाई। अच्छा लगा आपके बात करने में, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र जी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आप। बाय बाय, थैंक यू सो मच लाइव में आने के लिए, बाय बाय।